जैसे ही परिजनों को इस घटना की सूचना मिली है, घटना स्थल पर पहुंचे हैं, तो उन लोगों के बीच में कोहराम मच गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की अफरा तफरी यहां मची हुई है। मधुबनी जिला के NH 227 पर दो बाइकों के बीच भयंकर टक्कर होने के कारण चार लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, तो वही एक की मौत घटना स्थल पर हो गई है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना आए दिन घटती रहती है, तो वहीं जिस प्रकार से मधुबनी जिला के साहरघाट थाना क्षेत्र के श्री मोहन के समीप दो बाइकों के बीच भयंकर टक्कर हुई है जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि एक की मौत घटना स्थल पर हो गई है। और इस घटना की सूचना जैसे ही लोगों को मिली है, घटना स्थल पर लोगों की काफी भीड़ जुट चुकी है। जिस प्रकार से दोनों बाइक अनियंत्रित होकर के आमने सामने टकरा गई है, तो वहीं आपको बता दें कि दोनों मोटरसाइकिल छत बिछत हो गई है और उस पर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं जिसका इलाज स्थानीय अस्पतालों में किया जा रहा है। तो वहीं एक की मौत घटना स्थल पर हुई है जिसको लेकर के परिजन में काफी कोहराम मच गई है। इस प्रकार के घटना को लेकर चारों तरफ के लोग घटना स्थल पर पहुंच गए हैं, तो वहीं आप देख सकते हैं कि यहां काफी भीड़ लग गई है। NH 227 पर श्री मोहन के पास दो अनियंत्रित बाइक आमने सामने टकरा गई है और इस टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो आपको बता दें कि एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई है। ये दर्दनाक घटना जिस प्रकार से घटी है और आए दिन सड़क दुर्घटना के रूप में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, तो वहीं आपको बता दें कि आखिर लोग इस प्रकार से अनियंत्रित गाड़ी क्यों चला रहे हैं, जबकि बिहार में शराब बंद है फिर भी सड़क दुर्घटना पर किसी प्रकार की अंकुश लगती हुई नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है और लोगों को जैसे ही जानकारी मिली है, घटना स्थल पर काफी भीड़ लग गई है। आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ भीड़ लगी हुई है, तो वहीं जैसे ही परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली है, तो वहीं परिजनों के बीच में कोहराम मच गई है। इस घटना की सूचना साहरघाट थाना को दी गई है। घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचाकर इलाज करवाने के लिए भेज दिए हैं। तो वही आपको बता दें कि इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर हो गई है। उस व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर हॉस्पिटल भेज दिए हैं। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के चारों तरफ कोहराम मच गई है।